एबीपीएस न्यूज गांव की आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का कारवा जनपद भदोही के ब्लॉक अबोली में स्थित आनंदी गांव पहुंचा। ग्रामवासियों ने सुधा देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर उन्हें गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। यहां के प्रधान के भरकस प्रयासों से यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो मौजूदा हालात में गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए विद्युत पोल व विद्युत ट्रांसफार्मर के साथ साथ 70 सोलर लाइटें भी लगी हुई हैं। साथ ही बात अगर पेयजल व्यवस्था की जाए तो गांव के प्रधान द्वारा गांव में 30 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया, चक्रोड, तालाब के साथ साथ अपनी देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 430 इज्जत घरों व 18 प्रधानमंत्री आवासों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, पशुशाला, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। हमारे गाँव में 2005 से जब से प्रधानपति के रूप में हम कार्य देख रहे हैं, प्रतिनिधि के रूप में हर प्रत्येक मजरे में कार्य कराया गया है, जिसमें सड़क, शौचालय, आवास, व्यक्तिगत रूप से पेंशन, दिव्यांगजन को लेकर के इन सबको बहुत सारे कार्य कराए गए हैं। शासन की मंशा के अनुरूप मेरी इच्छा भी और भी कार्य करने की है, जिसमें विशेष रूप से प्रत्येक घर में बहु बेटियों की इज्जत के ध्यान रखते हुए, अक्सर देखा जाता है गांव में कि लोग हैंडपंप तारा और कुओं पर नहाने बैठ जाती हैं, तो एक स्नान घर हर मजरे में, हर घर में इसको बनाना है। और पेयजल जो जगह जगह बहते रहते हैं, दूषित पानी बहता रहता है, उनको व्यवस्थित ढंग से करने के लिए हमारी व्यक्तिगत इच्छा ये है कि वहाँ सोखता गड्ढा बनाया जाए और नाली के माध्यम से पानी को बाहर निकाला जाए। साथ ही साथ जो अभी वंचित हैं छत से, उनको छत मुहैया कराकर एक मंशा जो सरकार की है कि प्रत्येक घर को आवास भी उनको आवास दिया जाए, ये कार्य करना हमारी प्राथमिकताओं में है। जैसे ही सरकार का धन हमको मिला है, मिलता है, उसी गति से हम कार्य करते जाएंगे। ये कार्य हम चाहते हैं कि प्राथमिकता के आधार पर हों। जगह जगह स्ट्रीट लाइट, खम्भों पर लाइट की व्यवस्था करके और सोलर लाइट लगा दें, ताकि ये ना महसूस हो कि गांव में पढ़ने वाले बच्चे भी बिजली के अभाव में पढ़ाई से वंचित रहें और गांव में भी शहर बसे, ये कार्य गांव में हो, ऐसी हमारी इच्छा और प्राथमिकता है।